उपराष्ट्रपति के नाम पर बीजेपी और संघ की बैठक चल रही है। इस समय की बड़ी खबर, अमित शाह और भैया जी जोशी की मुलाकात हुई है और उपराष्ट्रपति के पद पर किसको लाया जाएगा। बैठक में डॉक्टर कृष्ण गोपाल भी मौजूद हैं। इस नाम पर चर्चा के लिए आज बीजेपी और संघ की बैठक हो रही है। बीजेपी और एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए मंथन शुरू हो गया है। ये मंथन बीजेपी और संघ नेताओं के बीच में चल रहा है। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह दीनदयाल शोध संस्थान में पहुंच गए हैं, जहां पर संघ नेताओं के साथ उनकी मीटिंग चल रही है। संघ की तरफ से संघ के सर कार्यवाह भैया जी जोशी और सह सर कार्यवाह और बीजेपी मामलों के संघ की तरफ से प्रभारी डॉक्टर कृष्ण गोपाल इस बैठक में मौजूद हैं। चर्चा की जा रही है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से और एनडीए की तरफ से कौन होगा। इस पर आज संघ की सहमति लेने के लिए संघ का विचार लेने के लिए बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह खुद इस डीआरआई में आ गए हैं। और क्योंकि कहीं ना कहीं एक दबाव भी है कि यूपीए की तरफ से इस बार पहले ही अपना उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है। गांधी परिवार से जो उनके पौत्र हैं गोपाल गांधी, गुजरात से ताल्लुक भी रखते हैं, उनको यूपी ने अपना कैंडिडेट घोषित किया है। इसकी वजह से उस पर अब किस तरह का राजनीतिक दबाव या एनडीए को एक बार फिर से एकजुट किया जाए और विपक्षी दल में किस तरह से सेंध लगाई जा सकती है, अपने उम्मीदवार को लेकर तमाम संभावनाओं को तलाशा जा रहा है। और सूत्रों के मुताबिक कोई दक्षिण भारतीय संघ की तरफ से कोई वरिष्ठ नेता या फिर आदिवासी चेहरे पर चर्चा की जा रही है, लेकिन हालांकि जो संघ की सहमति मिलेगी उसी को आखिरी तौर पर बीजेपी की तरफ से अपना उम्मीदवार बनाया जाएगा। और शायद यही कारण है कि खुद अमित शाह जो बीजेपी अध्यक्ष हैं वो संघ नेताओं की सहमति के लिए यहाँ पर पहुंच गए और अपना मंथन शुरू कर दिया है। कैमरामैन निरंजन के साथ यतेंद्र शर्मा, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।